हरतालिका व्रत करने के बाद में जब भगवान शंकर प्राप्त हो जाते हैं तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब आ जाते हैं। आज हरतालिका हो जाएगी, कल गणेश जी बैठ जाएंगे। मतलब हरतालिका का फुलेरे का वो वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि और गणेश आते ही हैं अगर दिल से आपने दर्शन किया, दिल से पूजन करी है तो। दिल से अगर पूजन करी और दिल से आपने दर्शन किया खूब प्रेम से खुश होकर, मेरे भारत की, मेरे देश विदेश में बैठी हुई माताएं आज हरतालिका बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर पूजन करी, बड़े प्रसन्न, मुख उतार कर नहीं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, मुंह उतर रहा है, ना ना ना, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता में शिक्षा। और जब मेरे भोलेनाथ की आराधना पूर्ण होगी तो भगवान शंकर गणेश जी को लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ जरूर आएंगे। कल पूरा देश, पूरा विश्व भगवान गणेश जी की मट्टी की सुंदर स्वरूप अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं। हमने पहले भी गणेश जी के लिए आपको वर्णन किया है कि गणेश जी जब बैठते हैं 10 दिन उसके बाद विदा होते हैं, विसर्जन होते हैं, हम गणेश जी को बुलाते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। गणेश जी का जब विसर्जन हो रिद्धि सिद्धि हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। बेटा जाए कमाने पर बहू हमारे घर में रहे, बेटा जाए कहीं पर काम से पर बहुएं घर में रहे, क्योंकि इन बहुओं से तो रौनक है घर की। इसलिए गणेश जी को बिठाते समय जहां गणेश जी बैठे अपने घर में जहां विराजमान करो, दो बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दो बिंदु, दो बिंदी दीवाल पर, जहां गणेश जी बैठते हैं जहां विराजमान करते हैं वहां दीवाल पर दो बिंदी या दो स्वस्तिक अवश्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गणेश जी विसर्जन भी हो जाएंगे तो वो दो बिंदी रिद्धि सिद्धि के भाव से हमारे घर में साल भर हमारे यहां विराजमान रहे, हमारे यहां पर रिद्धि सिद्धि भरी रहे, विराजमान। या तो दो स्वस्तिक बना दो या दो बिंदी रख दो हल्दी कुंकू, पर वो होना चाहिए, क्योंकि विसर्जन के समय पर गणेश जी जाए तो जाए पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे। गणेश जी तो पुत्र के भाव में घूमने गए, काम से गए, कार्य के लिए गए, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में सदा विराजमान रहे, हमारी बहुएं हमारे घर में सदा विराजमान, ये भाव रखते हुए वहां रिद्धि सिद्धि को विराजमान।